आई एम इंडिया टीवी से मैं शाहरुख खान इस वक्त नागपुर के बस स्टैंड पर मैं हूँ, लेकिन इस पूरे महाराष्ट्र की गाड़ियाँ बंद है। नागपुर शहर में किसी भी तरीके की आवाजाही नहीं हो रही है बस की, क्योंकि बहुत दिनों से आंदोलन चल रहा है सरकार के बीच में और बस चालकों के बीच में, लेकिन किसी भी तरीके की अब तक कोई सुनवाई सामने नहीं आई है, नए तरीके का कोई मार्ग नहीं निकला है, आंदोलन कंटिन्यू चल रहा है। मेरे साथ इस वक्त जो गाड़ी देख रहे हैं, जो कंडक्टर ड्राइवर मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, वो तेलंगाना स्टेट के है। पैसेंजरों को आने में जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। स्वामी अच्छा क्या तकलीफ पूछिए, कैसा हो रहा है? पैसेंजर का तकलीफ है, उसको कम आ रहा कम आ रहे। अच्छा, और ये सिटी में इधर लोकल में आने जाने में प्रॉब्लम हो रहा है उन लोगों को। अच्छा, वो पूछ रहा हमारा बस में आने वाला कुछ आने तकलीफ प्रॉब्लम हो रहा। ओके, यहाँ लोकल लोगों को ये सेवा जो आप दे रहे हैं यहाँ पर आ रही है, तो हैदराबाद जो लोग आने जाने वाले उधर से इधर और इधर से उधर जा रहे हैं। डाले गाड़ी, वो दो गाड़ियाँ को परमिशन है, दो गाड़ी आ रहे हैं नागपुर। आपका मतलब यहाँ पर आप आ रहे हो रोज, पहले कितने पैसेंजर और अभी कितनी कमी आई है उधर से आने या जाने? आने में है, जाते वक्त कम है, जाते वक्त कम है। अच्छा, अब लोकल लोगों का आना बस में आना जी, उसके बाद इसमें गाड़ी में चढ़ने वाला नहीं है, लोकल बस नहीं है बल्कि थोड़ा कम आ रहे। अच्छा, तो यहाँ पर अभी जो आपके यहाँ के भी लोग होंगे जो जाते हैं पैसेंजर जाते हैं इधर से, तो कोई रूट आपका चेंज हुआ है? सेम जो सेम रूट पे आते हैं, वही रूट चल रहा है। हैदराबाद से निर्मल, अच्छा, वहाँ से आरमूर, आदिलाबाद, पंडरकोड़ा, इंजनगार्ड, नागपुर, ऐसा रूट है, ये रूट है। इसमें कोई कमी नहीं है, मतलब बदलाव नहीं हुआ है? बदला नहीं, वही रूट पे आते। अच्छा, ये रेगुलर गाड़ी है, रेगुलर आते रहे, कोई लोग हमारा तकलीफ कोई नहीं दे रहे। अच्छा, तकलीफ नहीं है, ये महाराष्ट्र वाले धरना कर लेना, हमारा कोई तकलीफ नहीं दे रहे, तुम आओ जाओ बोल रहे अपनी ड्यूटी का, आपका टाइमिंग बराबर चालू है, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, इधर के लोगों को दिक्कत नहीं। अच्छा, तो आप कुछ कमी तो महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि आपके जब आते हो आप तो आपके दोस्त भाई भी रहते हैं, तो उनकी कमी तो महसूस कर रहे होंगे, चालू हो जाएगा? चालू है तो अच्छा रहता, चालू होना चाहिए, उनका भी चालू होना चाहिए, कुछ भी मानना, गवर्नमेंट मानना ना, पब्लिक का सर्विस देखना आपका पहले, पब्लिक का ट्रांसपोर्ट सर्विस अच्छा रहना, पब्लिक आरटीसी गवर्नमेंट रहे तो पब्लिक को थोड़ा सेफ रहता है। क्योंकि देखो एक चीज भी है कि प्राइवेट बसेस में कोई जाता है तो उसमें जान का माल का कोई सेफ्टी नहीं रहती, लेकिन गवर्नमेंट बस में अगर कोई हादसा होता है एसटी में तो सरकार उसका पैसा भी देती है। हमारे को ये लोग आए तो गवर्नमेंट बस में सेफ रहता, प्राइवेट गाड़ी में भरता एक की जगह भरता, पैसा भी ज्यादा देता, एक्सीडेंट होने का ज्यादा चांस, हमारा लिमिट जितना है उतना ज्यादा नहीं, गवर्नमेंट का जो कानून है वो क्या रूल है, मैंने ज्यादा भी नहीं, बराबर रूल है, वही रूल के हिसाब से टिकट बनता है। अच्छा, यहाँ पर बस स्टैंड सिर्फ तेलंगाना स्टेट की गाड़ियाँ चल रही है, हैदराबाद से जो आदिलाबाद के सफर करते हैं इधर से जो लोग उधर जाते हैं, और उनको किसी भी तरीके की समस्या नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा है, लेकिन अदर स्टेट की जो गाड़ियाँ आ रही है, दो गाड़ियों को आने का परमिशन है नागपुर में, और नागपुर से हैदराबाद तेलंगाना जाने का जो परमिशन मिला है, उनको किसी भी तरीके की कोई तकलीफ नहीं है, बराबर सेफ्टी से वो लोग जा रहे हैं, और वो रूटिंग में भी कोई चेंज नहीं है, जो रूट उनको दिया गया उसी रूट पे चल रही है, लेकिन उन्होंने खुद बताया गवर्नमेंट ने बात मानना चाहिए, क्योंकि गाड़ी जो चलती है सेफ्टी रहती है, जो पैसेंजर रहते हैं उनकी हिफाजत के साथ उन्हें ले जाया लाया जाता है, गवर्नमेंट उनकी जिम्मेदारी लेती है, और उसके अलावा भी जो चीज है उन्होंने बताया है कि जनता की सेवा के लिए कंडक्टर ड्राइवर जो एसटी महामंडल है वो सेवा कर रही है, जनता की सेवा के लिए ही है, तो गवर्नमेंट ने भी उनकी बात को मानना चाहिए। आई एम इंडिया टीवी से शाहरुख खान, जय हिंद।